जोश खरोश लगातार जारी है न्यूज रूम से, लगातार हम भी डटे हुए हैं, हमारी टीम भी डटी हुई है न्यूज रूम से, टीम डटी हुई है ग्राउंड जीरो पर, टीम डटी हुई है और बैराडोस में टीम इंडिया जबरदस्त परफॉर्म करते हुए नजर आ रही है। शुरुआती झटके लगे लेकिन टीम इंडिया उससे उभर गई है। अक्षर पटेल के 50 रन पूरे हो गए हैं, विराट कोहली भी उनका साथ दे रहे हैं, विराट कोहली भी 50 के पास में है, एक बड़ी पार्टनरशिप जिसकी जरूरत टीम इंडिया 50 के करीब है। और आपको बताएं कि जिस शुरुआती झटकों के बाद हर किसी का दिल थोड़ी धड़कने बढ़ गई थी, उसके बाद ये दोनों जोड़ी विराट कोहली अक्षर पटेल, अक्षर पटेल के बल्ले से भी लंबे लंबे सिक्सेस सबने देखे और उनका साथ देते हुए एक तरफ विराट कोहली बहुत ही शांति से खेलते हुए, बहुत ही शांति के साथ, मैच्योरिटी के साथ, क्योंकि पिच पर जमना जरूरी था, दूसरी तरफ जबरदस्त अग्रेशन के साथ अक्षर पटेल नजर आए। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत शुरुआती दौर में ही आउट हो गए थे, रोहित शर्मा ने 9 रन बनाए और उसके बाद वो पवेलियन लौट गए, सबका दिल टूटा। ऋषभ पंत एक बार फिर से आप देखिए कुछ बड़ा परफॉर्म नहीं कर पाए, शून्य पर वो पवेलियन लौट गए, डक आउट हो गए। अब टीम इंडिया जो है उभरती हुई नजर आ रही है, ऋषभ पंत 0 पर जरूर आउट हुए और इस बीच जो खबर आ रही है वो भी आपको बताया, अक्षर पटेल जो है वो रनआउट हो गए हैं, अक्षर पटेल रनआउट हो गए हैं 47 रनों पर, अक्षर पटेल आउट हो गए। लेकिन ये जबरदस्त शानदार पारी रही अक्षर पटेल की और जब जरूरत थी अक्षर पटेल की, वो अक्षर पटेल ने वो मोमेंटम कम से कम देने का प्रयास किया है। विराट कोहली अभी भी पिच पर मौजूद है लेकिन तो अक्षर पटेल शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए आप देखिए 47 रनों पर आउट हो गए, रन आउट हुए हैं अक्षर पटेल। लेकिन जो स्टार्ट जरूरी थी, जो पार्टनरशिप जरूरी थी, उन जिम्मेदारियों का निर्वहन यहां पर किया है अक्षर पटेल ने, अक्षर पटेल आउट हो गए हैं। एक सौ छह अभी टोटल है, 4 विकेट टीम इंडिया गंवा चुकी है। अभी भी आप देखेंगे बहुत डेप्थ है भारतीय टीम में, काफी डेप्थ है। आप देखेंगे जडेजा है, अभी शिवम दुबे है, उनके पास एक जबरदस्त मौका है, शिवम दुबे के पास जबरदस्त मौका है कि जिन उम्मीदों के साथ शिवम दुबे को रखा गया है आज, क्योंकि विराट कोहली अब तक फॉर्म में नहीं थे, आज विराट कोहली का दिन, किंग कोहली। लेकिन अक्षर पटेल ने जिस तरीके से, आपको बताएं, अक्षर पटेल ने जिस तरीके से पारी को संभाला है, जिस तरीके से साथ दिया है, 47 रनों पर वो आउट हुए हैं और अब रन आउट हुए हैं अक्षर पटेल, वो तस्वीरें हम देख रहे हैं, देख पा रहे हैं। बहुत जबरदस्त जा रही थी ये जोड़ी विराट कोहली और अक्षर पटेल की, लेकिन ठीक है, शुरुआती 3 झटकों के बाद जो डेप्थ चाहिए थी, जो पार्टनरशिप चाहिए थी, जो ठहराव चाहिए था टीम इंडिया को, वो देने में सफल रहे अक्षर पटेल। रोहित शर्मा कम रन बनाए, 9 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए, ऋषभ पंत आउट हो गए, सूर्य कुमार यादव 3 रन बनाकर आउट हो गए और अब विराट कोहली हैं और शिवम दुबे इस वक्त ग्राउंड पर आ चुके हैं। शिवम दुबे के पास ये गोल्डन नहीं डायमंड अपॉर्चुनिटी है, वो प्रूव करें। बहुत सारे लोग शिवम को पसंद करते हैं, उन्होंने वो मौका दिया, माहौल दिया है कई मौकों पर, लेकिन आज टीम इंडिया को जरूरत भी है। अक्षर पटेल ने जबरदस्त तरीके से परफॉर्म किया है और अब शिवम दुबे भी अपने ही स्टाइल में 107 रन। तो टीम इंडिया का स्कोर 107 पर 4 विकेट गिर चुके हैं, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल, 3 विकेट बहुत कम रन्स पर गिर गई थी। उसके बाद जो एक डेप चाहिए थी, जो ठहराव चाहिए था, वो अक्षर पटेल ने देने की कोशिश की और इस वक्त ग्राउंड पर शिवम दुबे हैं और विराट कोहली भी बहुत ही मैच्योरिटी के साथ इस वक्त अपनी
पारी को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे साथ मेरे रिपोर्टर्स, मेरे सहयोगी ग्राउंड रिपोर्ट करते हुए मेरे साथ हैं। देवनाथ मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे साथ अनुज लगातार बने हुए हैं। अनुज, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। शुरुआती तीन विकेट जिस तरीके से चटकी, जिस तरीके से तीन विकेट गई, कहीं ना कहीं धड़कने फैंस की बढ़ गई। और उसके बाद अक्षर पटेल ने 47 रनों पर, जरूर वो आउट हो गए, 50 नहीं कर पाए, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पर इंपॉर्टेंट पारी खेलकर गए हैं। इम्पोर्टेंट पारी नहीं, शुरुआत की है बिल्कुल, प्लीज। शिवम दुबे ने छक्के साथ शुरुआत करी है, पार्टनरशिप बिल्ड किया है, और यही कारण है कि अब जो करंट रन रेट है, मतलब रोहित जी जान लीजिए कि 8 के आसपास करंट रन रेट आ चुका है। अब इसके आगे अगर रन रेट को मेंटेन करना, करंट रन रेट को, यानी अगर 10 के आसपास करंट रन रेट मेंटेन करते हैं विराट कोहली और शिवम दुबे, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। 180 के आसपास का टारगेट आ सकता है, और 180 आसपास जो टारगेट होता है तो सामने वाली टीम को फिलहाल चेस करने में आसानी नहीं होगी। हालांकि पहले ओवर में भले हम लोग 10 के रन रेट से आगे बढ़ रहे थे, पर शुरुआती 4.2 बॉल पर हमने 3 विकेट खो दिए। पर अभी हमारे पास बैटिंग लाइन डेप्थ है, रोहित इसको भूलना चाहिए। अभी हार्दिक पांड्या है, अभी रविंद्र जडेजा है, और अभी खुद विराट कोहली अभी मौजूद है क्रीज पर, मात्र 6 ओवर अभी दूर है। इसके बाद अगर रन रेट और पार्टनरशिप अगर बिल्डअप कर लेते हैं तो ये समझ लिए कि यहां से 10 का रन रेट भी अगर पकड़ा तो 180 से ऊपर का रन रेट होगा, और जो कि साउथ अफ्रीका के लिए फिलहाल चेस करना मुमकिन नहीं रहेगा, क्योंकि बॉलर लगातार धोए जा रहे हैं, चाहे वो जॉनसन हो और चाहे वो रबाडा हो। उनकी इकोनॉमी अगर देखेंगे तो 11 का जॉनसन को धोया गया है, तो रबाडा को करीब 8 के आसपास का इकोनॉमिक रन रेट है। अब शिवम दुबे ने छक्का मारा, यानी अब विराट कोहली आपस में बातचीत कर रहे होंगे कि यहां का 6 ओवर रह गया, अब 6 ओवर के साथ हमें तालमेल बैठाना है और तालमेल के साथ पार्टनरशिप बिल्ड करनी है। और जो मतलब जो डेथ ओवर होंगे तो विराट कोहली कहीं ना कहीं डेथ ओवर में आक्रामक बल्लेबाजी करेंगे, पर हार्दिक पांड्या हमेशा हिटमैन के लिए जाने जाते हैं, आक्रामक बल्लेबाजी डील कर रहे हैं। आज विराट कोहली में अग्रेशन हमेशा से रहा है, एक प्रॉब्लम भी रही है टेंपरामेंट को लेकर, उन्होंने बहुत काम भी किया है, लेकिन आज वो टेंपरामेंट नजर आया कि विराट कोहली चाह रहे हैं कि वो लंबे वक्त तक क्रीज पर डटे, और जो सामने साथ ही आ रहा है उसको फ्री हैंड दिया हुआ है कि आपको जैसा खेलना है खेलिए, विराट कोहली डटे रहेंगे। देवनाथ मेरे सहयोगी मेरे साथ है। देवनाथ, 3 विकेट बहुत कम ही रन्स पर हम लोगों ने खो दिए थे, उसके बाद सबकी दिल की धड़कने भी बढ़ गई थी, लेकिन अब जिस तरीके से टीम इंडिया आगे जा रही है, 7 से 8 का रन रेट है पर ओवर का, कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो इंटेंट था टीम इंडिया का वो साफ था कि जिस तरीके से पूरे विश्व कप को खेला गया है, यानी जो एग्रेशन दिखाया जा रहा था वो उसी हिसाब से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन 3 जो शुरुआती विकेट गिरे उसके बाद निश्चित तौर पर दक्षिण अफ्रीका यहां पर आगे बढ़ती दिखाई दी, और अफ्रीकी टीम निश्चित तौर पर जो 3 विकेट जल्दी जल्दी गिरे उससे भारतीय टीम दबाव में आ गई, और इसके चलते लगा कि मैच का रुख कुछ और हो सकता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से विराट कोहली खेल रहे हैं उससे ये साफ जाहिर होता है कि अब टीम इंडिया की जो रणनीति है वो थोड़े एक पार्टनरशिप की है, और यही वजह है कि पार्टनरशिप की बात हो रही है। एक और जो बात महत्वपूर्ण है, फिलहाल अगर मैच की बात करें तो साउथ अफ्रीका कहीं ना कहीं आगे है, यानी जो भारत की रणनीति थी 6 ओवर में बड़ा, यानी बड़ा स्कोर खड़ा करने के लिए बड़ा देव, रन मार देव, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे तो मैंने पूछा था कि क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या स्कोर होना चाहिए, तो आपने कहा 170-175। शिवम दुबे ने भी आते ही छक्का जड़ दिया, अभी भी टारगेट स्कोर आपके मन में 170-175 है कि 150 तक आ गया, 160 तक आ गया? देखिए, अगर 170 टीम इंडिया बनाती है तो निश्चित तौर पर एक चुनौतीपूर्ण स्कोर होगा और दक्षिण अफ्रीका के लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर उससे कम होता है तो एक साइकोलॉजिकल जो दबाव होता है, जो एक प्रेशर होता है, वो विपक्षी टीम पर नहीं रहता है। जाहिर सी बात है कि अगर टीम इंडिया को ये मैच जीतना है तो 160 से ऊपर ही रन बनाने होंगे, और अगर इसके नीचे रन बनता है तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव टीम इंडिया के ऊपर रहेगा। तो ऐसी बात है कि विराट कोहली और टीम प्रबंधन, जाहिर सी बात है साइकोलॉजिकल वॉर भी तो ग्राउंड पर चल रही है। अपडेट्स लगातार भारत एक्सप्रेस दे ही रहा है, न्यूज रूम के साथी भी मेरे साथ है। अब तक हम जबरदस्त तरीके से जोश खरोश में थे, 3 विकेट गिरे तो मायूसी थोड़ी यहां पर भी थी। अश्विनी जी, जैसे टीम इंडिया टारगेट पर रहती है, रोहित शर्मा टारगेट पर रहते हैं, विराट कोहली टारगेट पर रहते हैं, अभी हम जब आपकी बात कर रहे थे तो आपने कहा कि साउथ अफ्रीका को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, उनकी इंटेंट भी है, 32 सालों बाद तो पहुंची है, आप भी टारगेट पर आ गए थे न्यूज रूम के? नहीं नहीं, मैं टारगेट पे जरूर था, मैंने कहा था कि अफ्रीका को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि 32 साल की भूख उनके अंदर है। और आप देखिए जिस तरीके से महाराज ने ऋषभ पंत को आउट किया, रोहित शर्मा को आउट किया, तो एक निराशा का भाव जरूर आया, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि विराट कोहली का आज दिन है, और देखिए वो 85 के करीब है, मतलब कहने का मतलब कि विराट कोहली एक बड़े प्लेयर है, बड़े दिन के प्लेयर है, ठीक है, बड़े दिन के प्लेयर है, और कहीं ना कहीं वो नजर भी आ रहा है, नजर भी आ रहा है लगातार। मृत्युंजय साधक जी, आप लिखते भी हैं और लिखने का काम भी है आपका,
महा सरस्वती की कृपा भी है आप पर। कुछ लिखा नहीं लिखा टीम इंडिया के लिए लिखा, सबसे बड़ी बात है अभी अश्विनी सर ने बड़ी अच्छी बात कही कि आज विराट कोहली का दिन है, निश्चित ही विराट कोहली का दिन है। और रोहित शर्मा के हारने के आउट होने के बाद लग रहा था कि स्थिति डावाडोल हो रही है, जिस तरह अक्षर पटेल ने थोड़ा संभाला, शिवम दुबे ने छक्का लगाया है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अफ्रीका की हार हो। क्या कामना है भारतवासियों की? बिल्कुल, अफ्रीका की हार हो, भारत के सिर ताज, अफ्रीका की हार हो, भारत के सिर ताज, महामुकाबला क्रिकेट का, जीत जाए हम आज। वाह, बिल्कुल आज जो कामना है ये जो जो 2007 मृत्युंजय जी पूरे न्यूज रूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया आपके इन शब्दों के साथ, और कहीं ना कहीं यही जोश यही खरोश भारतवासियों के मन में भी है। शुरुआत में लगातार थोड़ी टीम इंडिया डगमगाई, लेकिन अब एक बार फिर से संभल कर पारी को आगे बढ़ाते हुए विराट कोहली ग्राउंड पर मौजूद है, शिवम दुबे ग्राउंड पर मौजूद है, और इसके बाद भी डेप्थ तो अभी बाकी है ही, जडेजा भी हैं, अभी आप देखेंगे हार्दिक पांड्या भी है, उनका बल्ला भी चल रहा। विराट कोहली ग्राउंड पर मौजूद है और 50 के बहुत करीब है विराट कोहली, साथ उनका दे रहे हैं शिवम दुबे के बल्ले से भी आते ही छक्का लगा, इसका इंतजार हर कोई कर रहा था, लेकिन विराट कोहली ने जो टेम्परमेंट आज दिखाया है उसके बाद साफ तौर पर यह बात हर कोई समझ गया है कि क्यों विराट कोहली को बड़े मैच का बड़ा प्लेयर कहते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी ग्राउंड से भी लगातार बने हुए हैं, न्यूज रूम में भी जबरदस्त माहौल बना हुआ है। सबसे हम बात करेंगे अनुज के पास, एक बार फिर से जल्दी से वो आते हैं। अनुज, अब जिस चीज का इंतजार, जिस इंटेंट का इंतजार, जिस अग्रेशन का इंतजार, जिस फायर का इंतजार, एक्स फैक्टर का इंतजार शिवम दुबे से था, पहली गेंद पर आते ही छक्का जड़ दिया और बताया कि उनकी टीम में जरूरत क्यों है, आज उनके लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और बिल्कुल आपने जैसे कहा था कि विराट कोहली हमेशा बड़े मैच के लिए जाना जाता है, और यही कारण देखिए अर्धशतक के करीब आ चुके, 2 रन बस, 1 रन बस केवल अब अपडेट आ रहा है कि 1 रन बस करीब है जो अपना अर्धशतक पूरा करेंगे। पर एक और बताएं, शिवम दुबे ने एक छक्का और एक चौका भी मार दिया है, तो यानी अब जो कि साउथ अफ्रीका के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि अब जो करंट रन रेट है वो अब 8 के आसपास पहुंच रहा है, और शिवम दुबे का स्ट्राइक रेट भी अब समय 160 के आसपास चला गया, यानी कुल मिलाकर देखा जाए यहां से अगर 10 के रन रेट से भी अगर मतलब रन बनाते हैं तो ये समझ लीजिए 180 के आसपास जाएगा। अब इसके बाद रणनीति अब तय कर रहे हैं विराट कोहली, जैसे ही हाफ सेंचुरी कंप्लीट होती है यानी अर्धशतक जैसे कंप्लीट होता है उसके बाद ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे, और किस बॉलर को ढूंढना है वो अपने माइंड पे फिलहाल सेटअप कर चुके हैं। जी जाहिर सी बात है अनुज, और देखिए इस वक्त का अपडेट भी दर्शकों को दे दे, जाहिर सी बात है इस वक्त तो सबकी निगाहें टीवी स्क्रीन पर होंगी, 128 रन जोड़ चुकी है टीम इंडिया अब तक, टोटल में 4 विकेट जा चुकी है। देवनाथ मेरे साथ है, देवनाथ शिवम दुबे के पास तो आज गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ही, लेकिन विराट कोहली भी ऐसे बड़े मैचेस में प्रेशर मैचेस में ये बताने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं मानो कि मेरी जरूरत क्यों है टीम इंडिया में, क्यों विराट कोहली को किंग कोहली कहते हैं। बिल्कुल, किंग कोहली आज अच्छा खेल रहे हैं, और लेकिन इसके अलावा रोहित मैं बताऊं कि अब तथ्य पे बात करने की जरूरत है, 16 ओवर से अधिक का मैच खत्म हो चुका है और अभी 4 ओवर का जो खेल बाकी है उसमें टीम इंडिया कितना बड़ा स्कोर करती है, क्योंकि मैच देखिए दोनों कांटे की टीमें हैं, दोनों वर्ल्ड कप में कभी नहीं हारी इस वर्ल्ड कप में, तो जाहिर सी बात है कि मुकाबला आपका के साथ नहीं है, रनों का स्कोर खड़ा करना पड़ेगा, रनों की रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी आपको, और तेज खेलना होगा क्योंकि अभी विकेट हमारे पास बहुत सारे बल्लेबाज हैं। इसलिए अब महत्वपूर्ण ये नहीं कि विराट कोहली 50 रन मारे, महत्वपूर्ण ये है कि मैच बड़े स्कोर की तरफ ले जाने की जरूरत है, 4 ओवर को इतना मारना पड़ेगा आपको, बैट उठाना पड़ेगा, बल्ला भाजना पड़ेगा, क्योंकि स्कोर बोर्ड अंतिम सत्य है, अगर वो आगे रहता है तो आप दबाव में डालेंगे, क्योंकि ये अगर 170 का स्कोर। और इस वक्त की ब्रेकिंग आ रही है, T20 वर्ल्ड कप फाइनल तो चल रहा है, विराट कोहली के 50 रन हो गए हैं, विराट कोहली ने अर्धशतक जड़ दिया है, इंतजार लंबे वक्त से था, तालियों के साथ न्यूज रूम में भी विराट कोहली के इस अर्धशतक को सेलिब्रेट किया जा रहा है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। देखिए विराट कोहली बार बार इस चीज का जिक्र किया जा रहा था, रोहित शर्मा की फॉर्म पर सवाल उठाया जा रहा था, उन्होंने ये बताया कि वो कैप्टन कूल क्यों कह रहे हैं, हालांकि महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल कहा जाता है, लेकिन उसके बाद बावजूद रोहित शर्मा ने हर बार ये प्रूव किया है हमारी टीम्स को लीड जिस तरीके से करते हैं, और विराट कोहली किंग कोहली क्यों उनको कहा जाता है वो बताने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। अब आप देखिए ग्राफिकली भी हम आपको बता रहे हैं,
विश्व कप 2024 में टीमें कैसे मालामाल होंगी, लेकिन जो फैंस घर बैठे हैं वो तो अपने आप को मालामाल अभी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि विराट कोहली तो विराट कोहली जो है 50 पूरा कर चुके हैं। तालियां एक बार फिर से, अभी हम सेलिब्रेट कर रहे थे विराट कोहली के 50 रन। विराट कोहली अर्धशतक जड़ चुके हैं और लंबे वक्त से उनका बल्ला बहुत शांत था और विराट कोहली भी शांत थे। विराट कोहली का टेम्परमेंट बताने के लिए काफी था कि भैया मैं बोलूंगा नहीं, मेरा बल्ला ही बोलेगा। क्यों अश्विनी जी? देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि आज बड़ा दिन है, विराट कोहली बड़ा प्लेयर है और बड़े दिन का प्लेयर है, और जो बड़े प्लेयर होते हैं वो बड़े दिन चलते हैं, तो आज कोहली का दिन है। उन्होंने दिखा दिया क्यों दुनिया के महानतम प्लेयरों में उनका नाम है। तो कोहली का तूफान जारी है, रोहित शर्मा कप्तानी के तौर पर बहुत अच्छा कर रहे हैं, रोहित शर्मा के साथ साथ अब आप देखिए कोहली का तूफान भी जारी है, बवंडर भी आ सकता है। तो मैं कह रहा हूँ वक्त की बात है, वक्त का फेर, जरूरत थी आज कि कोहली डट कर खेलें। बहुत बड़ा दिन है आज, 17 साल बाद ये मौका है कि हम लिफ्ट करें वो कप उठाएं जो धोनी ने उठाया था, तो निश्चित ही ये कोहली के लिए बहुत बड़ा, और कोहली क्या हमारे लिए, हमारे देश के लिए, सबके लिए बहुत बड़ा दिन है। सबका दिल टूटा था वर्ल्ड कप में, कोहली के 50 रन हो गए पूरे, क्या संकेत आ रहे हैं ऐसे? संकेत तो बेहद शानदार, ऐसा लग रहा है कि इस बार साउथ अफ्रीका फिर चौकर साबित होगी और इस बार टीम इंडिया फिर से कप उठाएगी। मेरे सहयोगी जेपी दीपक भी हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। जेपी जी का रिएक्शन लेना जरूरी है भाई, जोश में है सब। विराट को पूरे अरमान होंगे, जीतेगा हिंदुस्तान, जीतेगा हिंदुस्तान, और इसी के लिए देखिए लगा विराट कोहली ने एक जबरदस्त छक्का भी जड़ दिया है। विराट कोहली अब आएंगे फॉर्म में 50 रन तक, क्योंकि कोई अपने लिए तो नहीं खेल रहा है, टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं। जिस तरीके की शुरुआत हुई, सबके दिल की धड़कने बढ़ गया था, बीपी बढ़ गया था, शुगर बढ़ गया होगा, लेकिन अब उसके बाद जिस तरीके से टीम इंडिया ने वापसी की है ये काबिले तारीफ है। अब देवनाथ भी मेरे साथ बने हुए हैं, देवनाथ का भी रुख कर लेते हैं। अनुज भी कुछ कहना चाह रहे हैं, अनुज पहले आपके पास, अनुज क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल रोहित जी, मैंने क्या कहा था कि विराट कोहली का जैसे ही हाफ सेंचुरी कंप्लीट होगी तो उसके बाद उनके जो आक्रामक बल्लेबाजी होगी वो आपको देखने मिलेगा। और देखिए ना कि जैसे ही 17.2 पहली एक बॉल होती है तो छक्का मारते हैं और 17.2 बॉल पे, यानी 17 ओवर 2 बॉल पे 2 रन लेते हैं, यानी अब टोटल 2 बॉलों पे अब तक 8 रन ले चुके हैं। और शिवम दुबे भी साथ दे रहे हैं, शिवम दुबे 1 छक्के और 2 चौके की मदद से 21 रन बना चुके हैं। तो यानी अब फिर विराट कोहली ने फिर चौका मारा, जो लेटेस्ट अपडेट है, यानी 17 ओवर 3 बॉल पर विराट कोहली 1 छक्का 2 रन, एक पहली बॉल पे छक्का, दूसरी बॉल पे 2 रन, तीसरी बॉल पे फिर चौका मारा है, यानी टोटल 3 बॉल पे 12 रन अब तक आ चुके हैं। यानी पूरी आक्रामक बल्लेबाजी और करंट रन रेट 8.40 का रन रेट हो चुका है, यानी अब हम 9 की तरफ करंट रन रेट हमारा बढ़ रहा है, यानी मान सकते हैं कि अब ये 180 के आसपास का टारगेट हो सकता है। अगर पर ओवर में भी 18-19 रन लाते हैं और फिर दूसरे ओवर में 18-22 रन लाते हैं तो कोई बड़ी बात हैरानी की नहीं होगी, क्योंकि अब विराट कोहली फिलहाल फॉर्म में आ चुके हैं और इस वक्त 62 रन बना चुके हैं 51 बॉलों पर और स्ट्राइक रेट 121 का है। तो वहीं शिवम दुबे 1 छक्के और 2 चौके की मदद से 175 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं और शिवम दुबे भी डटे हुए हैं और ये जोश नजर आ रहा था, टीम इंडिया के कॉन्फिडेंस नजर आ रहे थे। बॉन्ड क्या शेयर करते हैं, देखिए अभी बहुत सारे लोगों ने भी सुना होगा रोहित शर्मा से जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया के लोगों से मुखातिब होते हैं, तो वो एक प्रेस की तरफ से सवाल आया कि विराट कोहली चल नहीं रहे, विराट कोहली की फॉर्म को लेकर सवाल उठाया, तो उस वक्त रोहित शर्मा ने कहा फाइनल में देखिएगा, आज फाइनल है। रोहित शर्मा को जो ट्रस्ट था, जो भरोसा था विराट कोहली पर, उस विश्वास पर बिल्कुल अर्धशतक तो जड़ चुके हैं, आगे भी जबरदस्त तरीके की फॉर्म जारी है। मेरे सहयोगी देवनाथ हमारे साथ है, देवनाथ ये बॉन्ड, ये ट्रस्ट रोहित शर्मा विराट कोहली के ऊपर जो देखने को मिला, विराट कोहली भी उसी अग्रेशन के साथ, उसी इंटेंट के साथ, उसी इंस्टिंक्ट के साथ ग्राउंड पर डटे हुए साथ दे रहे हैं शिवम दुबे। बिल्कुल सही कहा आपने, विराट कोहली बड़े मैचों के लिए जाने जाते हैं और जब भी मौका आया है उनके बल्ले ने रन बरसाया और आज भी जिस तरीके की बल्लेबाजी हुई है, खास करके विराट कोहली ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की है वो हिंदुस्तान से बड़ी आशा है, सबसे बड़ी उम्मीद है, वर्ल्ड कप लाने के लिए सबसे बड़े हथियार हैं। जाहिर सी बात है कि जब विराट कोहली के रन बल्ले से रन निकलेगा तो उतनी उम्मीद हमारी बढ़ती है कि कप हिंदुस्तान के हाथों में होगा। तो जाहिर सी बात है कि अब जो ओवर बचे हैं कितना बड़ा स्कोर हम खड़ा कर सकते हैं और उसके बाद गेंदबाजी एक बहुत बड़ा हथियार है और हमारे पास विश्व स्तर के गेंदबाज हैं जो हर तरीके के बल्लेबाजों को आउट करने में सक्षम है। आखिरकार हमने ऑस्ट्रेलिया को भी पिछले मैच में बुरी तरह परास्त किया है, उनको धूल धूसरित कर दिया था, उसके बाद अब दक्षिण अफ्रीका क्या उस दबाव में बिखर पाएगी? अगर शुरुआत
अगर अगर ओवरों में विकेट गिरता है दक्षिण अफ्रीका का तो वो टीम बिखर जाती है, वो तैयार नहीं हो पाती, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो जाहिर सी बात है भारतीय टीम आकलन कर रही होगी कि शुरुआत में एक भारत को खड़ा करने के बाद जब दक्षिण अफ्रीका बल्लेबाजी के लिए उतरे तो एक ऐसे ऐसे गेंदबाजी की जाए कि उनके 2 से 3 विकेट तुरंत चटका दिए जाए, तो जाहिर सी बात है कि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि रोहित उनका इतिहास भी यही रहा है, पहली बार वो फाइनल खेल रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है, लगभग लगभग 14 गेंदे और बाकी है, 14 गेंदे और बाकी है अनुज, 14 गेंदों पर और कितना टारगेट 148 तो मैं देख पा रहा हूं। बॉलिंग की रबाडा को बुरी तरह से धोया है, जो कि रबाडा ने 16 रन इसी मतलब 18 ओवर में दिए हैं। अब 2 ओवर के आसपास की बात करें तो पूरे रणनीति के साथ शिवम दुबे साथ दे रहे हैं, तो मान सकते हैं कि अगर 19 ओवर में अगर वो 16 17 18 रन ले आते हैं, फिर 20 ओवर में कहीं 22 23 24 रन ले आते हैं, तो ये मान सकते हैं कि जो ये रन रेट 175 या 180 के आसपास के करीब होगा, जो कि बहुत बड़ा स्कोर रहेगा। और साउथ अफ्रीका प्रेशर में और दबाव में रहेगा। और आते आते ये जान सकते हैं कि जिस तरह से बुमराह बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरह से अर्षदीप बॉलिंग कर रहे हैं, अक्षर पटेल कर रहे हैं, जिस तरह जडेजा कर रहे हैं, तो यानी अब कुल मिलाकर इनको डिफेंड करेंगे, ये चेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बड़ा स्कोर है। अब तक आपने को देखा 201 का सबसे बड़ा स्कोर रहा है, उससे पहले 171 176 रहे हैं, तो आमतौर पर चेज नहीं हो पाए, तो चेज होना फिलहाल मुमकिन नहीं। और ये ट्रॉफी भारत के हाथ होगी निश्चित तौर पर, आप देख लीजिएगा। तो जाहिर सी बात है 18 ओवर हो गए, 150 रन भी पूरे हो चुके हैं और प्रोजेक्टेड स्कोर 174 के आसपास ही है। देवनाथ किस तरीके से देख रहे हैं, आखिरी 2 ओवर्स बाकी है और अब तो मेरे ख्याल से बवंडर सा आएगा मैदान पे, क्योंकि पीछे अभी हार्दिक पांड्या भी बाकी है, अभी जडेजा भी बाकी है और जो बॉलर्स हैं वो भी बल्ला तो घुमा ही लेते हैं, 2 ही ओवर बाकी है। देखिए 170 का स्कोर पार करते ही भारतीय टीम की संभावनाएं बहुत प्रबल हो जाएंगी, क्योंकि 170 वो आंकड़ा है जिसको साउथ अफ्रीका की टीम देख करके धराशायी हो सकती है। लेकिन अगर एक रन भी 170 से कम होता है तो जो मनोवैज्ञानिक दबाव है वो बहुत कम हो जाता है और उसका प्रेशर गेंदबाजों को भुगतना पड़ता है। मैं एक बात यही बताता हूँ कि चूंकि अब ये पारी खत्म होने वाली है, 2 ओवर का ही मैच है, लेकिन एक बात बताऊँ कि बुमराह और जिस तरीके से चले हैं पूरे विश्व कप में, उससे साफ जाहिर होता है कि पूरी दुनिया में उनके जैसा गेंदबाज कोई नहीं है। उनको पढ़ पाना, उनको खेल पाना बल्लेबाजों के लिए अब भी पहेली है। और उनके रिकॉर्ड देख लीजिए, उनके आंकड़े देख लीजिए कि मिनिमम रन दे करके भी और ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल देवनाथ तो कहीं ना कहीं आपकी बातों से भी हम समझ पा रहे हैं, शॉट्स भी लगातार हमारे सहयोगी राजीव चौधरी चला ही रहे हैं स्क्रीन पे। जीत लो कप जीत लो दिल, आप देखिए क्या आम क्या खास, क्या जवान क्या बुजुर्ग, क्या महिला क्या पुरुष, हर कोई इस वक्त टीम इंडिया को चीयर करता हुआ नजर आ रहा है। चेहरे पर जैसा हम कह रहे हैं शुरुआती दौर में टेंशन आ गई थी, रोहित शर्मा आउट हो गए, इसके साथ साथ तालियां बजती हुई भी मुझे न्यूज रूम में नजर आ रही हैं। लेकिन अब देखिए आखिर के 2 ओवर बाकी हैं, कुछ ही देर में फाइनल आंकड़ा भी सामने आ जाएगा, लेकिन अभी जो प्रोजेक्टेड स्कोर है वो है 174-175 के आसपास। क्या उससे ज्यादा टीम इंडिया निकलेगी, और अगर निकल जाती है तो ये कितना बड़ा टारगेट रहेगा अनुज? बिल्कुल, अभी 9 बॉल आया है जिसके बाद सिंगल मतलब डॉट बॉल हो गई है, तो अब ये जो प्रोजेक्टेड स्कोर 175-176 दिख रहा है, का ये स्कोर होगा, उसके बाद ये साउथ अफ्रीका के लिए दबाव और प्रेशर का रहेगा, जहां पर साउथ अफ्रीका के लिए चेस करना फिलहाल मुमकिन नहीं रहेगा, क्योंकि शुरुआती जो बड़े बॉलर है बुमराह उनको दबाव मिलेगा, अगर कहीं शुरुआती 4-5 ओवर सुपर ओवर में 2 विकेट अगर चटका लेते तो इनके लिए जो हमारा रिक्वायर्ड करंट रन रेट है उनके लिए रिक्वायर्ड रन रेट में तब्दील हो जाएगा, तो उनको कहीं ना कहीं हार की कारी जरूर मिलेगी साउथ अफ्रीका को। तो ये कुल मिला के देखिए चौका भी आ गया अपडेट, रोहित अभी चौका और लग गया, और इसलिए मैंने थम्स अप भी किया, चौका लग गया था टीम इंडिया के लिए लगातार, हर ओर से ऑल द बेस्ट आ रहा है, थम्स अप आ रहा है।